नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को लॉकडाउन प्रतिबंधों को आसान बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड 19 सम्मेलन क्षेत्रों के बाहर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मंगलवार से शुरू होंगी। नागरिकों के आसान आंदोलन की सुविधा के लिए बीएमटीसी, केएसआरटीसी, एनईकेआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी की सेवाएं मंगलवार सुबह से शुरू होंगी। येदियुरप्पा ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और अधिकारियों के साथ केंद्र के लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के बाद कहा, एकमात्र शर्त यह है कि केवल 30 लोगों को एक बस में यात्रा करनी चाहिए ताकि सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बस किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। मुझे पता है कि इससे नुकसान होगा, सरकार नुकसान उठाएगी, उन्होंने कहा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब को भी संचालित करने की अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी में एक ड्राइवर और 2 यात्री होंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि मैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 3 यात्री होंगे। राज्य के सभी पार्क सुबह 7 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुले रहेंगे। मंगलवार से मॉल और थिएटर को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं, इसमें सैलून भी शामिल है, सीएम ने कहा। सभी छूट हर रविवार को मौजूद रहेंगी। हर रविवार को पूर्ण तालाबंदी होगी, कोई भी दुकान और लोगों की आवाजाही नहीं होगी, ये एक पूरा दिन होगा, उन्होंने कहा। मौजूदा कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी दिनों तक जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। राज्य के भीतर ट्रेनें चलेंगी, लेकिन 31 मई तक अंतर्राज्यीय ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। नागरिकों के लिए सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है। येदियुरप्पा ने कहा, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा।